हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 11 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे. इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट पार्ट 11 ऑफ एमपीपीएससी एमसीक्यू व्हिच आर वेरी क्रूशियल फॉर अवर एग्जामिनेशन. सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच. विच माउंटेन पास फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज दिफू पास. दिफू पास जो बिलोंग करता है वो करता है अरुणाचल प्रदेश को. ओके, और ये ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है इंडिया, चाइना एंड म्यांमार के बीच में. अब हम मैप देख लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है. अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल बॉर्डर में, मीन्स वेस्टर्न बॉर्डर, सॉरी ईस्टर्न बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये दिखेगा कि दिफू पास बिलोंग करता है. अब ये ट्राई जंक्शन है म्यांमार के, म्यांमार, चाइना एज वेल एज इंडिया के बीच में. म्यांमार जो बिलोंग करता है वो सदर्न पार्ट को बिलोंग करता है. अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन या नॉर्थन रीजन देखेंगे तो चाइना बिलोंग करता है, और वेस्टर्न साइड में हमारा इंडिया बिलोंग करता है. क्वेश्चन था कि माउंटेन पास विच फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड म्यांमार. तो इसका सही आंसर है दिफू पास, विच इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो काराकोरम जो पास है वो बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर को. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे पूछा जाए कि बोमडिला पास किस स्टेट में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, मीन्स बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में है. अगर आपसे पूछा जाए रोहतांग पास किस राज्य में है, तो वो है हिमाचल प्रदेश. तो याद रखिएगा, रोहतांग इज इन हिमाचल प्रदेश, बोमडिला एंड दिफू इज इन अरुणाचल प्रदेश. अगर कोराकोरम की बात की जाए तो वो बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर को. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि कावेरी रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है. अब यहां पे आपको स्टेट दिया हुआ है, स्टेट मार्क करना काफी आसान है, पर अगर आपको डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए तो काफी टफ हो जाएगा. तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं. कावेरी रिवर जो रहती है वो ओरिजिनेट की होती है कर्नाटका से. अगर आपसे कर्नाटका में भी स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो वो है ताला कावेरी. ओके, ताला कावेरी, और जो बिलोंग करता है कोडागु डिस्ट्रिक्ट, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो आपसे अगर पूछा जाए कि कावेरी रिवर किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के, तो वो होती है कोडागु डिस्ट्रिक्ट, ताला कावेरी, जो कि कर्नाटका में है. ओके, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट, मींस कावेरी नदी जल विवाद जो है, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित विवाद है, वो कितने राज्यों के बीच है, मींस हाउ मेनी स्टेट्स आर इंडल्ज्ड इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट. तो इसका आंसर होगा 4 स्टेट्स. कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं. स्टेट्स आप मार्क कर सकते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी. ये चारों राज्य जो हैं वो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट में इंडल्ज्ड हैं. अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी. याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट कौन है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नलिनी सेन गुप्ता. नलिनी सेन गुप्ता वॉज दी थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इन्होंने कांग्रेस के 1933 के सेशन को प्रेसाइड किया था, जो हुआ था कलकत्ता में. ओके, 1933 का सेशन प्रेसाइड किया था नलिनी सेन गुप्ता ने. इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट रही. अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो आप जानते होंगे कि एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इन्होंने प्रेसाइड कब किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने 1917 को कलकत्ता सेशन को प्रेसाइड किया था. अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, जो है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू की, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी. ओके, अगर आप ओवरऑल वुमेन की बात करेंगे तो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. लेकिन आप इंडियन पर्सपेक्टिव में पूछें कि इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू. अब इन्होंने कब प्रेसाइड किया था, तो इनकी भी आप ईयर याद रखिएगा, इन्होंने 1925 को कानपुर का जो सेशन हुआ था उसको प्रेसाइड किया था. अगर बात की जाए सोनिया गांधी जी की, तो इन्होंने 1998 से लेकर 2017 तक कांग्रेस का सेशन को प्रेसाइड किया था. ओके, तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रही हैं, मिसेस सोनिया गांधी. ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि आईएनसी के वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, तो आप इजिली मार्क कर सकते हैं श्री राहुल गांधी. ओके, उसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है. तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि आईएनसी की थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट है नलिनी सेन गुप्ता. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी. ओके, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, ऑप्शन ए.
अगर आपसे एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछी जाए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में कब हुई थी, मीन्स एग्जैक्ट डेट, तो वो हुई थी 21 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1951 को, मीन्स 21 अक्टूबर 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेड दी भारतीय जनसंघ। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की, तो 1921 को एम एन रॉय द्वारा सीपीआई की स्थापना की गई थी। सीपीआई क्या होती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट डेट की, तो वो है 25 दिसंबर 1921। इट वॉज एस्टेब्लिश बाय और फाउंडेड बाय एम एन रॉय। अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की 1964 की, तो सीपीआई स्प्लिट हो गई सीपीआई एम में, मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट। तो सीपीआई का बंटवारा कब हुआ था? तो वो हुआ था 1964 में। अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की 1980 की, तो आप याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 वॉज द फाउंडेशन डेट ऑफ बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो डेट है, मीन्स फाउंडेशन डेट है, वो है 1980। और अगर ओरिजिनली अगर देखा जाए तो बीजेपी वॉज द सक्सेसर ऑफ भारतीय जनसंघ, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की एग्जैक्ट एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, तो वो है 6 अप्रैल 1980। और यहीं अगर इस ऑप्शन की बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जी को ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता कहा जाता है या पायनियर कहा जाता है। अब आपसे एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है मिल्क प्रोडक्शन से, या कह सकते हैं कि इट वॉज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो था ये स्टार्ट किया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और ये कब शुरू किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की थी, तो ये की थी 1970 में। याद रखिएगा 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि एनडीडीबी मीन्स नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 साल पहले, मीन्स 1965 को। इसका आपको हेडक्वार्टर पूछा जाए कि मतलब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो है आनंद गुजरात में। तो ये काफी सारे फैक्ट हमने कवर किए। अगर बात की जाए ऑप्शन बी की, तो एम एस स्वामीनाथन आप जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। अगर ऑप्शन सी की बात की जाए नॉर्मन बोरलॉग जी की, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन, मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता या जनक या पायनियर कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग जी को। इसी कारण इनको 1970 में, याद रखिएगा 1970 में नोबल पीस प्राइज मिला था इनको। नोबल पीस प्राइज, तो आप ये भी याद रखिएगा नोबल पीस प्राइज इनको कब मिला, क्योंकि एमपीपीएससी में जनरली इस टाइप के भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कि किस व्यक्ति को कब नोबल पीस प्राइज मिला या किसको कौन सा अवार्ड कब मिला, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर बात की जाए ऑपरेशन फ्लड की, तो वर्गीज कुरियन वॉज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, और एनडीडीबी ने शुरू किया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने शुरू किया था ये प्रोग्राम, कब किया था 1970 में। अगर आपसे पूछा जाए एनडीडीबी की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है आनंद गुजरात में। अगर नॉर्मन बुल्लॉक जी के बारे में पूछा जाए, तो पूछा जाएगा कि नोबल पीस प्राइज इनको कब मिला, तो वो मिला था इनको 1970 में। इस स्लाइड से इतने फैक्ट सफिशियंट है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरी प्लेलिस्ट या मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप पीडीएफ अपडेट या कोई और अपडेट्स मेरे चैनल से रिगार्डिंग चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/aditya-dubey-mppsc। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक की लिंक है aditya-dubey-mppsc। means facebook.com/aditya-dubey-mppsc। I hope you are doing well. All the very best for your examination. Good luck. Bye-bye.